तो सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम व्हिच इज डिजाइन टू परफॉर्म ए वेल डिफाइंड फंक्शन। तो जैसा कि आपको पता है कि कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को मिला के बनता है, तो हार्डवेयर वो पार्ट होता है जो कि फिजिकल फॉर्म में होता है जिसको आप टच कर सकते हैं, वहीं पर सॉफ्टवेयर वो चीज़ होती है जिसको आप टच नहीं कर सकते, और बिना सॉफ्टवेयर के हार्डवेयर वर्क नहीं करता है। तो सॉफ्टवेयर ही इंस्ट्रक्शन देता है हार्डवेयर को, उसके अकॉर्डिंग फिर हार्डवेयर अपना काम परफॉर्म करते हैं। तो सॉफ्टवेयर क्या है? इज ए प्रोग्राम इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, ए प्रोग्राम इज ए सिक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन रिटन टू सॉल्व अ पार्टिकुलर प्रॉब्लम। टू टाइप देर आर टू टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, दो तरीके के सॉफ्टवेयर होते हैं, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो आप जैसे कि देख रहे होंगे स्क्रीन पे, ये क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, विंडो, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, क्या कहते हैं कि लाइनक्स है, एंड्रॉयड है, ये सब क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। इनकी वजह से सिस्टम रन करता है, एक्चुअली में सिस्टम काम करता है। वहीं पे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं जिनके थ्रू आप अपने किसी पर्टिकुलर नीड को फुलफिल कर सकते हैं। जैसे कि मैसेजिंग करनी है, वीडियो सेंड करना है, तो किसका यूज़ करते हैं? व्हाट्सएप का यूज़ करते हैं। मैसेजिंग करनी है, मैसेज का, SMS की फैसिलिटी का यूज़ करते हैं। गेम खेलना है तो एंग्री बर्ड्स का गेम खेलना है तो आपने एंग्री बर्ड्स का ऐप डाउनलोड कर लिया। यूट्यूब पे वीडियो देखना है तो यूट्यूब का ऐप डाउनलोड कर, जो ऐप होता है, ऐप यानी एप्लीकेशन, वो सॉफ्टवेयर होता है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आप किसी पर्टिकुलर नीड को फुलफिल करने के लिए होता है वहीं पे। लेकिन सिस्टम को रन करने के लिए, चाहे मोबाइल हो चाहे कंप्यूटर हो, उसको रन करने के लिए आपके पास कौन सा होना चाहिए? सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। तो नॉर्मली ये इंस्टॉल्ड प्री इंस्टॉल्ड आते हैं कंप्यूटर में या मोबाइल में। हम बात कर लें सिस्टम सॉफ्टवेयर की, तो द सिस्टम सॉफ्टवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम डिजाइन टू ऑपरेट, कंट्रोल एंड एक्सटेंड द प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी ऑफ ए कंप्यूटर इटसेल्फ। यानी कि ये इंस्टॉल्ड होते हैं सिस्टम में ताकि वो ऑपरेट, कंट्रोल और एक्सटेंड कर सके प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज जनरली प्रिपेयर बाई कंप्यूटर मैनुफैक्चर। ये जनरली क्या होता है? जो भी कंप्यूटर को डेवलप करता है उनके द्वारा ही बनाया जाता है। दीज सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स कंप्राइजेज ऑफ प्रोग्राम रिटन इन लो लेवल लैंग्वेज विच इंटरेक्ट विद हार्डवेयर एट ए वेरी बेसिक लेवल। यानी कि जो सॉफ्टवेयर होता है, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, वो लो लेवल लैंग्वेज पे लिखे होते हैं और जो कि मशीन जो है उसी लैंग्वेज को समझते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर सर्व्स एज द इंटरफेस बिटवीन द हार्डवेयर एंड द यूजर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? वो एक इंटरफेस का काम करता है हार्डवेयर और यूजर के बीच में। हम सॉफ्टवेयर को चलाते हैं, सॉफ्टवेयर के थ्रू हार्डवेयर को चलाते हैं। तो सम एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर जो कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर हैं, ये क्या है? ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है, इनके थ्रू ही सिस्टम को आप रन कर सकते हैं। तो हियर इज अ लिस्ट ऑफ सम ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट फीचर ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के कुछ फीचर जैसे कि क्लोज टू द सिस्टम होता है, स्पीड फास्ट होती है, डिफिकल्ट टू डिज़ाइन होता है, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, लेस इंटरेक्टिव है, साइज में स्मॉल होता है और मैनिपुलेट करना कठिन होता है, जनरली रिटन इन लो लेवल लैंग्वेज। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर लो लेवल लैंग्वेज में लिख बना होता है, क्यों? क्योंकि मशीन जो है वो बाइनरी डिजिट यानी 0-1 को समझती है, तो इसलिए लो लेवल लैंग्वेज में सिस्टम सॉफ्टवेयर लिखा होता है। अब बात कर लें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट आर डिजाइन टू सेटिस्फाई पर्टिकुलर नीड ऑफ ए पर्टिकुलर एनवायरनमेंट। जैसे कि हमने बताया कि आपकी किसी पर्टिकुलर नीड को फुलफिल करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन बनाए जाते हैं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर अलग होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अलग होता है। आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं, अनइंस्टॉल कर सकते हैं। ऑल सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन प्रिपेयर्ड इन द कंप्यूटर लैब कैन कम अंडर द कैटेगरी ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल प्रोग्राम सच एज माइक्रोसॉफ्ट नोटपैड फॉर राइटिंग एंड एडिटिंग ए सिंपल टेक्स्ट। जैसे कि आप MS ऑफिस यूज करते हैं, तो MS ऑफिस क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दैट इज नॉट अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। इट मे ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ ए कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम ऑफन कॉल्ड सॉफ्टवेयर पैकेज, जैसे MS ऑफिस पैकेज, उसमें MS वर्ड होता है, MS एक्सेल होता है, MS पावर पॉइंट होता है, विच वर्क टूगेदर टू अकम्प्लिश ए टास्क सच एज स्प्रेडशीट पैकेज। एग्जाम्पल क्या है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जैसे कि पेरोल सॉफ्टवेयर आते हैं, स्टूडेंट रिकॉर्ड सॉफ्टवेयर आते हैं, जैसे कि ERP AKT में होता है, सभी स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड होता है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर आता है, इनकम टैक्स सॉफ्टवेयर, रेलवे रिजर्वेशन सॉफ्टवेयर जहाँ पे सिर्फ रेलवे का रिजर्वेशन होता है, माइक्रो ऑफिस सूट होते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट है। तो ये सब क्या है? ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। अब हम बात कर लें कि फीचर ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, तो क्लोज टू द यूजर होते हैं, इजी टू डिज़ाइन, इंटरेक्टिव ज़्यादा है, स्पीड स्लो होती है, जनरली रिटन इन हाई लेवल। जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं हाई लेवल लैंग्वेज में रिटन होते हैं, क्यों? क्योंकि जो यूज़र होता है वो हाई लेवल लैंग्वेज को समझता है और जो मशीन होता है वो लो लेवल को समझता है, तो ये कन्वर्ट किए जाते हैं, ये जो हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करके लो लेवल लैंग्वेज में किया जाता है, वो कन्वर्टर का यूज़ किया जाता है, आगे हम डिस्कस करेंगे। इजी टू अंडरस्टैंड, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आसान होते हैं समझने में, मैनिपुलेट भी अच्छे से कर सकते हैं और साइज में बड़े होते हैं और उनको स्पेस ज़्यादा चाहिए होता है देन सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब हम बात कर लें ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। द ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए प्रोग्राम विद द फॉलोइंग फीचर्स। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए प्रोग्राम दैट एक्ट
एज एन इंटरफेस बिटवीन सॉफ्टवेयर एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कि कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में काम करता है। इट इज़ एन इंटीग्रेटेड सेट ऑफ स्पेशलाइज प्रोग्राम एंड यूज टू मैनेज ओवरऑल रिसोर्स एंड ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि ओवरऑल रिसोर्स यानी कि जो भी कंप्यूटर में हार्डवेयर होते हैं उन सभी को ऑपरेट करने में मदद करता है। इट इज़ ए स्पेशलाइज सॉफ्टवेयर दैट कंट्रोल एंड मॉनिटर द एग्जीक्यूशन ऑफ ऑल प्रोग्राम दैट रिसाइड इन कंप्यूटर। तो कंप्यूटर में जो भी एग्जीक्यूशन होता है प्रोग्राम रहता है वो सभी को कंट्रोल करता है कौन? ऑपरेटिंग सिस्टम, चाहे वो एप्लीकेशन प्रोग्राम हो या कोई अदर सिस्टम सॉफ्टवेयर हो, सबको ऑपरेटिंग सिस्टम ही कंट्रोल करता है। तो आप फिगर में देख सकते हैं, तो यूज़र होता है, यूज़र एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को यूज़ करता है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू हार्डवेयर से काम करती है। तो ये जो है ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। आप ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल्स जैसे मैंने बताया था कि विंडो है, एप्पल है, लाइनक्स है, एंड्रॉयड है, ये सब क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये सिस्टम को रन करते हैं। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो क्या है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम के जैसे ये मेमोरी मैनेज करता है यानी कंप्यूटर की कितनी मेमोरी है, किस कैसे कैसे डिवाइड होनी है उसकी मैनेजमेंट को देखता है। प्रोसेसर मैनेजमेंट, ये सीपीयू को मैनेज करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। डिवाइस मैनेजमेंट, कीप ट्रैक ऑफ ऑल डिवाइसेज, जो भी डिवाइसेज होते हैं कंप्यूटर में उन सभी को मैनेज करता है। फाइल मैनेजमेंट करता है, एलोकेट करता है, डीएलोकेट करता है। सिक्योरिटी रखता है सिस्टम की बाय मीन्स ऑफ पासवर्ड। जॉब अकाउंटिंग, कौन से किसने कितना टाइम जो है कौन सा रिसोर्स किया है, सारी चीज़ों की अकाउंटिंग रखता है। कंट्रोल ओवर सिस्टम परफॉर्मेंस, सिस्टम की परफॉर्मेंस को कंट्रोल करता है। ऑपरेटर से इंटरेक्ट करता है। एरर डिटेक्टिंग, कोई भी एरर आती है सिस्टम में तो उसको भी डिटेक्ट करके आपको इन्फॉर्म करता है। कोऑर्डिनेशन बिटवीन अदर सॉफ्टवेयर एंड यूजर्स, अदर सॉफ्टवेयर और यूजर्स के बीच में भी कोऑर्डिनेट करता है सिस्टम सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम। कंपोनेंट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ये तीन कंपोनेंट होते हैं मेनली, एक होता है कर्नल, दूसरा होता है शेल और तीसरा है शेल होता है उसके बाद आता है टाइप ऑफ सेल। दो टाइप के होते हैं, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस और ग्राफिक यूजर इंटरफेस। देन आता है फाइल सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के तीन कंपोनेंट होते हैं, कर्नल, शेल और फाइल सिस्टम। तो कर्नल क्या करता है? बेसिक जो मैनेजमेंट होता है, चाहे वो मेमोरी का हो, प्रोसेस का हो, फाइल का हो, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का हो, वो सब मैनेज करता है कर्नल। शेल जो है वो इंटरफेस का काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम और यूज़र के बीच में। तो दो टाइप के सेल होते हैं, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, उसको हम आगे देखेंगे। तो फाइल सिस्टम क्या है? फाइल में जो भी आप फाइल्स को रिकॉर्ड करते हैं उन सबको मैनेज करके रखता है फाइल को, तो ऑपरेटिंग सिस्टम। अब बात कर लें कि कैरेक्टर यूजर इंटरफेस और ग्राफिक यूजर इंटरफेस क्या होता है। तो जैसा कि यूजर इंटरफेस यानी कि यूजर को कैसे वो कम्युनिकेट कर सकता है ऑपरेटिंग सिस्टम से, सिस्टम सॉफ्टवेयर से, तो इन कैरेक्टर यूजर इंटरफेस क्या होता है, यूजर हैज टू टाइप ऑल द कमांड यूजिंग द कीबोर्ड टू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर। अगर आपको कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करना है तो CUI के केस में आपको कमांड को टाइप करना होगा, तब आप जो है कंप्यूटर से इंटरेक्ट कर सकते हैं। वहीं पे GUI यानी ग्राफिक यूजर इंटरफेस में क्या होता है, ग्राफिकल फॉर्म में सारी चीज़ें होती है, आप उसको बस माउस के थ्रू क्लिक करके अपना कंप्यूटर से इंटरेक्ट कर सकते हैं। CUI इट इज़ डिफिकल्ट टू यूज़ एज द यूज़र हैज़ टू रिमेंबर ऑल द कमांड्स। CUI जो है वो टफ होता है यूज़ करना, क्योंकि उसमें सभी कमांड्स को आपको याद रखना होता है। वहीं पर GUI जो है ईजी होता है, क्योंकि आपको सिर्फ माउस के कर्सर को नेविगेट करना है और अपना काम कंप्यूटर से ईजिली इंटरेक्ट कर सकते हैं। CUI जो है, देर इज़ ओनली टेक्स्ट इन केस ऑफ CUI, वहीं पे देर इज़ अ ग्राफिक और विजुअल क्लूज फॉर ईच एप्लीकेशन इन केस ऑफ GUI। ओल्ड कंप्यूटर यूज्ड CUI, जो पुराने कंप्यूटर्स थे वो कैरेक्टर यूजर इंटरफेस पे होते थे, वहीं पे जो मोस्ट मॉडर्न कंप्यूटर्स हैं वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पे होते हैं। तो कैरेक्टर यूजर इंटरफेस का एग्जाम्पल है DOS, वहीं पे GUI यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का एग्जाम्पल है विंडो। आप इसको देख सकते हैं एग्जांपल के तौर पे, आप देखें राइट साइड में है जो है वो DOS का एग्जांपल, वहीं पे जो राइट साइड लेफ्ट साइड में आप देख रहे होंगे वो क्या है, GUI यानी ग्राफिक यूजर इंटरफेस का। यहाँ पे ग्राफिक्स हैं, आइकन्स बने हुए हैं, आप उस पर क्लिक करिए आपका काम हो जाएगा। वहीं पे CUI में जो कि राइट साइड में, वहाँ पे आपको कमांड को टाइप करना होता है, उसके बाद फिर आपको अपना आउटपुट मिलता है। अब हम बात कर लें लैंग्वेज की, तो कंप्यूटर लैंग्वेज, जैसे कि आपको पता है कि सभी चीज़ें लैंग्वेज, सब लोग आपस में लैंग्वेज किसी न किसी लैंग्वेज से बात करते हैं, कोई मीडियम होता है। तो इसी तरह से कंप्यूटर का भी अपना एक लैंग्वेज होता है, जो कि जिसको हम कहते हैं लो लेवल लैंग्वेज यानी बाइनरी कोड।
तो तीन टाइप के लैंग्वेज होते हैं, लो लेवल लैंग्वेज, मिडिल लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। तो लो लेवल लैंग्वेज को हम मशीन लैंग्वेज कहते हैं, जो कि एक्चुअली मशीन जो है समझती है। तो 0, 1 और 0 इसका यूज़ किया जाता है, इसी के थ्रू इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कंप्यूटर को। मिडिल लेवल लैंग्वेज यानी असेंबली लैंग्वेज, जहाँ पर न्यूमोनिक्स को के थ्रू जो है कम्युनिकेट किया जाता है, न्यूमोनिक्स यानी कोड्स होते हैं उनके थ्रू जो है आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, उसको हम असेंबली लैंग्वेज कहते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज जैसे कि कोबोल, फोरट्रान, सी, सी प्लस प्लस, जावा, ये हाई लेवल लैंग्वेज है जो कि यूज़र तो फ्रेंडली होते हैं लेकिन मशीन फ्रेंडली नहीं होते हैं। तो इन लैंग्वेज को हम मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं किसके थ्रू, लैंग्वेज ट्रांसलेटर के थ्रू। तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या होता है, कन्वर्ट प्रोग्रामिंग सोर्सेज कोड इनटू लैंग्वेज दैट कंप्यूटर प्रोसेसर अंडरस्टैंड, यानी कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर हाई लेवल और मिडिल लेवल लैंग्वेज को क्या करता है, वो कन्वर्ट करता है लो लेवल लैंग्वेज जिससे कि मशीन समझ सके। तो तीन टाइप के ट्रांसलेटर, असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर। तो कंपाइलर और इंटरप्रेटर और असेंबलर क्या होते हैं, तो कंपाइलर वो सॉफ्टवेयर होता है दैट कन्वर्ट्स प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। कंपाइलर क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। वहीं पे इंटरप्रेटर क्या करता है, इंटरप्रेटर भी हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। और असेंबलर जो है असेंबली लैंग्वेज को जो है कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में। नेक्स्ट डिफरेंस है कि कंपाइलर, कंपाइलर जो है कंप्लीट जो है होल हाई लेवल लैंग्वेज को इकट्ठे जो है सभी को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। वहीं पे इंटरप्रेटर क्या है, वो लाइन बाय लाइन जो है कन्वर्ट करता है हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में। और असेंबलर जो है असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में। कंपाइलर जो है सी, सी प्लस प्लस, कोबाल, इन सब में जो है फोरट्रान में कंपाइलर का यूज़ किया जाता है। इंटरप्रेटर का यूज़ रूबी, पर्ल, पाइथन, PHP लैंग्वेज में किया जाता है। वहीं पर असेंबलर का जो है यूज़ वो असेंबली लैंग्वेजेस में किया जाता है, जहाँ पे निमोनिक्स यूज़ किया जाता है, आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि हार्डवेयर सिर्फ मशीन लैंग्वेज समझता है, तो मशीन लैंग्वेज लो लेवल लैंग्वेज होता है 0, 1। तो जो लो लेवल लैंग्वेज होता है वो असेंबलर के थ्रू जो हम कन्वर्ट कर लेते हैं मशीन लैंग्वेज में। वहीं पे जो हाई लेवल लैंग्वेज होते हैं उनको हम कंपाइलर या इंटरप्रेटर के थ्रू कन्वर्ट करते हैं मशीन लैंग्वेज में, तो जिससे कि हार्डवेयर से आप सीधे कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।